हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं फिर से नई जॉब लेकर के। आज की जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, अच्छी कंपनी है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाता हूं, डायरेक्ट कंपनी में अपना सीवी शेयर करना सिखाता हूं। मेरा मकसद ये होता है कि आप किसी भी गलत कंसल्टेंट के चक्कर में ना फंसें, बेमतलब में अपने पैसे खराब मत करें। इतना इतना पैसा, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार अपना खराब करके आते हैं, वो मत करें। बहुत मुश्किल से माँ बाप पैसा कमाते हैं, तो उसको प्लीज़ खराब मत करें। और जो भी मैं कंपनीज के बारे में रिसर्च करता हूँ, उसके बाद बात आपको बताता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। अपना CV बना करके रखिए, अपना कवर लेटर अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखिए, ताकि अच्छा सा लगे, प्रोफेशनली लगे, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको टिप्स बताता हूँ, तरीके बताता हूँ अप्लाई करने के, वैसे वैसे अप्लाई ज़रूर करते जाया कीजिए। इन केस कोई भी आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए अच्छे से गाइड कर सकूँ किस तरह से कैसे अप्लाई करना है। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग आपको भटकाते हैं। देखो, भटकना नहीं है। आपको बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने तो बड़ी सारी कंपनीज में अप्लाई किया पर मेरी नौकरी नहीं लगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आप किसी की बातों में मत आया कीजिए, आपका जो मन करे वो कीजिए, पर प्लीज़ किसी की बातों में आकर के काम करना बंद नहीं करना है। किसी की बातों में आकर के अपना CV कंपनीज में भेजना बंद नहीं करना है। आप अपनी डिटेल्स अपना CV कंपनीज में भेजेंगे, कभी तो आपको कॉल आएगी, कभी तो आपकी ज़िंदगी बनेगी। मैं कहता हूँ, एक कंपनी में भेजते हो नहीं कॉल आई, दूसरी में भेजते हो नहीं कॉल आई, 10 में भेजते हो तब भी कॉल नहीं आई, तो भेजते चले जाओ ना, रोज़ 10 में भेजते चले जाओ, कभी तो अच्छी कॉल आएगी। और जिस दिन आपकी अच्छी कॉल आएगी, आपको मेल आएगी और इंटरव्यू कंडक्ट होगी और आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्या ज़िंदगी आपकी नहीं बनेगी? तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, किसी की बातों में नहीं आना है। और इस वीडियो को भी आगे अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, कलीग्स तक शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार दिलाने में हम अपना एक अहम रोल अदा कर पाएँ, उसको नौकरी दिला पाएँ, उसको उसकी परेशानी दूर कर पाएँ हम। मेरा साथ दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करें कि इस दौरान, आज की सिचुएशन ऐसी है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और सभी की हेल्प करना सीखिए, सभी को रोज़गार दिलाना सीखिए। तो मेरा साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपने सारे कलीग्स का साथ दीजिए, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का, सगे संबंधियों का, सभी का साथ दीजिए, ताकि सभी को कहीं ना कहीं अच्छा एक रोज़गार मिल जाए। तो आज की जो भी वैकेंसी है, मैं आपको डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पर लिए चलता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से इस कंपनी के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। चलिए मेरे स्क्रीन पर। सो गाइस, अब आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एमेडिस कंपनी में किस तरह से अप्लाई करना है। आपने यहां पर जाकर के कंपनी का नाम लिखा, AMADEUS, साथ में करियर्स डाल दीजिएगा। आपके सामने बहुत सारे लिंक्स खुल करके आ जाएंगे। अब इतने सारे लिंक्स आपके सामने आएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो। बेटर यही कि जो ऑप्शन, जो सर्च मैंने आपके लिए की है वो है ये लिंक। इसी लिंक पर ही आपको जाना है, इधर उधर क्लिक नहीं करना है, कंफ्यूज हो सकते हो और फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। बेटर यही है, जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ वहीं पर ही जाकर के क्लिक कीजिए। अब इस पर हमने जाकर के क्लिक किया तो आपके सामने ये आप ऑप्शंस आ जाती हैं। अब इसमें इंडिया की जॉब चाहिए, कंटिन्यू करो, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी, फाइंड योर नेक्स्ट जॉब। यहाँ पर जाएंगे, एक नया टैब खुल करके आ जाएगा। अब इसमें मान लेते हैं कि आपको इंडिया की जॉब चाहिए, तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए, सर्च जॉब्स कीजिए। आपके सामने यहाँ पर इंडिया की सारी जॉब्स खुल करके आ गई। अब मान लेते हैं कि ये वैकेंसी आपके लिए सूटेबल है, इस पर हम जाकर के क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद ये वैकेंसी के बारे में सारा कुछ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, पोजीशन आ गई, लोकेशन आ गई, आपकी सारी डिटेल्स आ गई, आपकी समरी ऑफ द रोल आ गया, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, टेक्निकल क्या आना चाहिए, एवरीथिंग इसमें मेंशनड है। जब भी आपको लगे कि ये वैकेंसी आपके लिए सूटेबल है, अगर आपको लगे कि है, तो यहां पर अप्लाई नाउ की ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पर जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आपके सामने ये साइट खुल करके आ जाएगी। इसमें क्या है कि अगर आपका अकाउंट बन रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं बन रखा है तो क्रिएट एन अकाउंट पर जाकर के क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अकाउंट आपको अच्छे से सारा क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो ऐसे ही फॉर्म वगैरह सारा कुछ खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस, हर चीज़ प्रॉपर मांगी जाएगी, आपकी फ़ोटोज़, एवरीथिंग। अगर मैं सारा फॉर्म भरने बैठा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मेरा मेन मकसद है आपको रास्ता दिखाना, कैसे अप्लाई करना है तो ऐसे अप्लाई करना है। अब आप क्या सोच रहे हैं, कर दीजिए अप्लाई। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, आप वैसे वैसे अप्लाई करते चले जाइए। इन केस किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ में आता है कि इस चीज में क्या फिल करना था, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। और प्लीज अप्लाई कर दीजिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। ये सोच करके अप्लाई कीजिए कि इस कंपनी में आपकी नौकरी लगने वाली है। देखो कैसे नहीं लगती, सोच के अच्छा कुछ करोगे तो जरूर अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहो, ऑल द बेस्ट, और दूसरों को भी मुस्कुराहट देते रहो।